भिखारी आए देख। ए चोरे, ए पैसा देना है भिखारी, ए रुकना है भिखारी, इधर देख। ए देख रहा क्या चोर, मारे या क्या, आ इधर आ। क्या देख क्या रहा है, पैसा कभी दे रहा है चोर, बताना। गन मुझे दो, दे मुझे गन दे। ले जाओ इन दोनों को। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 35,000 से 40,000 जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं। किसी बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव से होती है, ऐसी ही हमारी जिंदगी की मजबूती हमारे बचपन से होती है। अच्छे बुरे की पहचान या फिर गुनाह की शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन का एक हादसा आपको गुनाह की तरफ ले जा सकता है। पकड़े जाने पर जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, फिर स्कूली शिक्षा की जगह जेल के जुवेनाइल होम में पढ़ाई होती है, और फिर वहां से एक ऐसी जिंदगी का सफर शुरू होता है जो बाकी बच्चों की तुलना में काफी अलग होता है। रिहा होने के बाद जब आप बाहर की दुनिया में आते हैं तो आपके नाम के साथ किए हुए गुनाह का टैग लगभग आपकी पहचान बन जाता है। हेलो अक्षय भाऊ, गाड़ी आली, अब बाहर निकलो फटाफट, आज गेम कर देंगे नक्की। चोर चोर, अरे मेरी कार चुरा ली। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक है और ये पेपर भी पूरे ही हैं, तो वादे के मुताबिक ये लो पूरे 5,00,000 रुपए। अब ये आपकी। थैंक यू। पेपर्स है गाड़ी से। पेपर्स पर क्यों सर? ये चोरी की गाड़ी है, रिपोर्ट आई है पुलिस स्टेशन में। सर लेकिन ये गाड़ी चोरी की कैसे हो सकती है सर? पेपर दे। ये देखिए सर, सब नकली पेपर्स है। आप कुछ भी ले देखे। रिश्वत दे रहा है मेरे को? नहीं सर प्लीज। तुम्हारे साथ गलत हुआ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जी जी। एक लड़की है, मैं जानता हूँ उसे, ऐसे टेढ़े मामले सॉल्व करती हो। एक्सक्यूज मी। Yes. तुम हितेश हो? Yes, but तुम ही वो जो पुलिस को हैंडल करोगी। But तुम तो अभी बच्ची हो। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, रुको, मुझे क्या करना होगा? देखो ये चोरी की कार के लिए पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। 1,00,000 रुपए? ठीक है, मैं 1,00,000 रुपए दे दूंगा। अब तो दे दोगे, लेकिन फिर जब दोबारा पकड़े जाओगे चोरी की कार के साथ फिर क्या करोगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कार बेच दो। चोरी की कार है, इसे खरीदेगा कौन? उसकी टेंशन तुम मत लो, बिहार में ये कार ऐसे गायब करूंगी ना दोबारा तुम्हें दिखेगी भी नहीं। इन सब में कितना खर्चा आएगा? पहले कार तो बिक जाने दो, फिर जो दिल करे दे देना। ठीक है। तो फिर लाओ 1,00,000 रुपए। हाँ मैडम जी, आपका ड्राइवर आया है कार लेने के लिए।
हाँ ठीक है, कार उन्हें दे दो, पैसे तुम्हें हफ्ते 10 दिन में मिल जाएंगे। हाँ भाई ले जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, चोरी के कार से हम लोगों ने 6 लाख रुपए भी बनाए और कार भी हमारे ही पास है। वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। ये लो अपना हिस्सा खरत, बहुत अच्छा काम किया। ये क्या है, कोई लड़की को ऐसे पेपर स्प्रे गिफ्ट देता है क्या? अरे क्यों नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि मैं तेरी कितनी परवाह करता हूँ। अक्षय तो पड़ोस से शालिनी ताई मिलने आई, कह रही है कुछ अर्जेंट है। अक्षय बाबू प्लीज मेरी मदद करो, प्रेमनगर के मंदिर से मैं बाहर निकल रही थी तो किसी ने मेरी गले की चेन चुरा ली। मेरी चेन। हाँ पड़ता, इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पूरे मोहल्ले वाले तो बोलते हैं कि आप ही सबकी मदद करते हो, प्लीज कुछ तो करो वरना मेरा पति शाम को आके मुझे मारेगा। अक्षय इतना क्या सोच रहा है, अगर तू शालिनी की मदद कर सकता है तो करना। हेलो, ये प्रेमनगर में चेन स्नैचिंग का काम कौन करता है? प्रेमनगर वहाँ पे मनीष राणे है। क्या रे मनीष राणे, होने रे तू बताऊ। शालिनी जाकर चेन वापस कर दे, आज सुबह प्रेमनगर याद है। अबे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास कुछ चेन वेन नहीं है। देख आखिरी बार कह रहा हूँ वापस कर दे। अबे जाओ बाहर में तुम लोग। रवीन, अरे कैसा बात कर रहा भाऊ? मैं छोड़, एक पे दो ठीक नहीं रहेगा, रुक चेन दे। अरे नहीं है मेरे पास कुछ, मुझे मारेगा साले। चेन दे। नहीं है मेरे पास कुछ साले, चेन नहीं तेरे पास, चेन दे, चेन दे। चल उठ चल आते। क्या थकेला काम करता है बे, ताई भाई का चेन वेन चुराने का? बड़ा काम कोई देता नहीं है, पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये रख, हम बाद में बात करते हैं। चल प्रवीण। नहीं अक्षय भाऊ, इनमें से तो कोई भी मेरी चेन नहीं है। क्या पक्का? हाँ मेरी चेन तो पतली थी और ये तो बहुत ही भारी और महंगी चेन है। ठीक है ये चल जाएगा। नहीं ये मैं नहीं ले सकती। अरे शालिनी इतना सोच मत, ले ले। थैंक यू भाऊ। आराम से दादा, बस बस हो गया। हाँ बस क्या लेने आए हैं? लेने नहीं देने आए हैं, एक ऑफर। कैसा ऑफर? हमारे साथ काम करने का प्रॉमिस, बड़ा काम करेंगे, क्या बोलता है? ये मेरी बहन है दिया, 5 साल पहले माँ बाप मर गए थे, तब से यही मेरी दुनिया है। एक बड़े काम की टिप मिली है, आप बोलो तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक होलसेलर है शांतिलाल चड्डा, उसका अपने एक बंदे के साथ लफड़ा चल रहा है, 6-7 महीने से पैसे भी नहीं दिए। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? शांतिलाल चड्डा का ड्राइवर, उसने टिप दी। मोटा पैसा लग रहा है, मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दे।
चाय में चीनी थोड़ी और चाहिए मुझे। हाँ नहीं मैं ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? चीनी। एक मिनट मैं। हाय, आई एम संदीप। आई एम दिया। थोड़े दिन घर के ही काम करती रहती हूँ या कहीं बाहर भी निकलती हूँ? मेरा मतलब कभी बाहर चले कॉफी पर। ये भाई तुम हमेशा बोलते हो मेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन कब रमणीक भाई? मुझे पैसा मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा, आप ऐसे बार बार फोन मत कीजिए। हेलो केम छो अंकल। अरे तुम लोग दरवाजे से। ए जिग्नेश, अरे इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? आप काम की बात सुनो, अपन लोग आपका 20 लाख रुपया 48 घंटे में ला के दे सकते हैं। कैसे? वो आप अपन में छोड़ दो, पर हाँ अपनी सर्विस का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। कितना? 30%। ये नहीं भाई, वो 30% बहुत ज्यादा होता है, मैं 25 से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ बोल देता हूँ। ओ काका, इधर क्या भाव तोल करने आए क्या इधर? डन, 25% डन। आप जो भी है हमें डिटेल सेंड कर दो रामनिक भाई की, हम आपका काम कर देंगे। मनवेल में उसका बंगला है और एक बेटी है 10-12 साल की। दिया को भूल जा प्रवीण, तुझसे बड़ी है। लेकिन अक्षय बाबू, पूजा भी तो तेरे से बड़ी है, इसके वजह से तू थोड़ी ना रुक गया। गाड़ी छाट कर भाव। अरे छोड़ो उसको, अरे अरे छोड़, बचाओ। बैठ, चुप। पापा प्लीज मुझे बचा लो, पापा प्लीज। बेटा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आप, मैं आपको कुछ नहीं होगा बेटा। ए, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो देख। ए डायलॉग बाजी छोड़ और काम की बात सुन। बच्ची के 10 लाख रुपए और शांति भाई के 20 लाख रुपए अलग से, और अगर पुलिस के पास गया या कुछ भी घोची किया, तेरी बेटी किधर फेंकी हुई मिलेगी मालूम ही नहीं पड़ा, समझा क्या? हाँ बोल। चाय पी तो है? अरे नहीं बाबा, विदाउट शुगर पी रहा हूँ। एक खबर आई है, न्यू इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक 10-12 साल की बच्ची का किडनैप हुआ है। कई टीचर्स, मेड्स ने और पेरेंट्स ने इस बात को कंफर्म किया है। कंप्लेंट आई है? सर यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, किसी ने FIR नहीं लिखवाई है। लड़की की डिटेल्स? सर बच्ची का नाम वीरती है, बिजनेसमैन रमणीक ठक्कर की बेटी। अरे वाह, पूरे 20 लाख। धन्यवाद। अरे धन्यवाद नहीं अंकल, आप हमारा हमें 25% दे दो, धन्यवाद क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, ये लो 25% के हिसाब से ये तुम्हारा 5 लाख। पूरे 15 लाख। इतना बड़ा हाथ तो हमने कभी नहीं मारा, यकीन नहीं होता यार। ये सब अपने पैसे? ये सब कुछ सिर्फ मनीष की टिप्पणी से हुआ है, तो इसके लिए तुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। ये भी ले ऐश कर, अब इससे तू अपने लिए गिफ्ट खरीद, अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद, देखो जो करना है कर, ये पैसे तेरे। थैंक यू भाऊ। अरे भाऊ भाऊ, ये क्या किया, इतने सारे पैसे क्यों लिए उसे? तो समझता नहीं है प्रवीण, मनीषा भी नया है, आज 15 लाख का टिप दिया है, कल 15 करोड़ का देगा, लेकिन ये 5 लाख उसका कॉन्फिडेंस जीतेंगे, ताकि वो सिर्फ हम लोग से लॉयल रह सके। इसको तू वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझ। ये पैसे उठा और तिजोरी में रख दे। हेलो, ठीक। कांस्टेबल घरात का फोन था, कह रहा था इंस्पेक्टर ने वीरती के बाप रमणीक भाई को थाने बुलाया सवाल जवाब करने के लिए। अरे सर मैंने कहा ना कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ होता तो क्या मैं चुप बैठता? इतना गुस्सा कर दो रमणीक भाई, गुस्से से थायराइड बढ़ता है। हाँ अच्छा, वो जिन लोगों ने देखा कि आपके बेटी को दो आदमी ऑटो में ले जा रहे,
और वो चिल्ला रही है, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? और वो अक्षय के आदमी थे। हाँ नहीं नहीं सर, वो दो जन तो मेरी ऑफिस के लोग थे, मैंने उन्हें भेजा था मेरी बेटी वीरती को स्कूल से वापस लाने के लिए। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी? सर मेरी बेटी को कुछ हुआ ही नहीं है तो कंप्लेन क्यों करूं? हाँ करेक्ट, आप जाइए। ये जो सीडीआर काटा सिर के पिछले 48 आवर्स में इसने किससे बात की है सब डिटेल्स चाहिए। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पर वो अक्षय है, उसके गैंग की डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है सर। मोंटी और भाई काफी टाइम से अच्छे दोस्त हैं, और उसने भाई से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और भाई मान गया। तुमसे पूछा भी नहीं? उसे जरूरी नहीं लगा। तो तुम बोल दो कि तुम मोंटी से शादी नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे डर लगता है भाई पता नहीं क्या करेगा, और अभी अभी तो उसने अक्षय के साथ काम शुरू किया है, कहीं तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया और तुम गैंग से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने। ओके, पर तुम जो काम करते हो वो वही काम तुम्हारा भाई भी करता है, वो कोई महात्मा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि उसके सामने बात ना हो तो हम भाग सकते। नहीं, उससे और मुसीबत बढ़ जाएगी। तुम कुछ दिन रुको, मैं ये शादी टालने की कोशिश करती हूँ और निकालती हूँ कोई रास्ता। ये रहा पिछले 3 कामों का हिस्सा, सबने बहुत बेहतर किया। एक मिनट, मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कैसा हिस्सा? तूने क्या किया है? क्या बोला? अरे मजाक कर रहा हूँ, देता हूँ। ये लो मैडम। तुम दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अरे किधर आई, इससे कौन शादी करे यार, मैं खुद अभी बच्चा हूँ और मारती रहती 24 घंटा मेरे को, शादी के बाद मार डाली मेरे को पूरा, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। आई, ये तेरे लिए। तेरे पापा जाने के बाद ये मेरा पहला जेवर है। अक्षय बाबू। हाँ? आई, मेरे को ना आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलना। मैंने दिया की शादी करा। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्षय बाबू, मैं ये कह रहा था कि थोड़े और पैसे एडवांस मिल जाते तो शादी धूमधाम से होती। एडवांस तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो सारे पैसे दिए। हाँ पर मैं गिफ्ट के तौर पर 6 लाख रुपए दे सकता हूँ, चलेगा? अक्षय बाबू थैंक यू सो मच। देख मोंटी, मैरिज हॉल की अगले महीने की डेट मिल रही है, क्या बोलता है? दिया, वो ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए, इसमें परफ्यूम है हाँ, और ये कपड़े हैं, और इसमें मेकअप का सामान, सब मॉल से लाया, ब्रांडेड है, लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे यहाँ बैठ, यहाँ ये सब रख ले, सारी ब्रांडेड चीजें, इसने इतने टाइम में मुझे तो कुछ दिया नहीं, तुझे दे रहा है रख ले, और हाँ शादी के बाद भी इसे ऐसे ही हैंडल कर, ठीक है? यार अक्षय तुझे कितना टाइम लगेगा, और शॉपिंग पे जाना है मुझे, 4 बजे सारी शॉप बंद हो जाते हैं। पूजा यार एक मिनट, इसका हिसाब नहीं मिल रहा हमें, तब बड़ा लफड़ा कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। यार तेरा ये सब रोज का है। अरे भाऊ मी घेऊन जाऊ का वही नीला, मुझे दिया के लिए भी शॉपिंग करनी है तो साथ में हो जाएगा। भाई प्लीज ले जा। पूजा तू मनीष के साथ चली जाना, हम अगली बार चलेंगे पक्का, तुझे चलेगा ना? हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं, तुझसे कहीं ज्यादा समझदार है वो। या भाई दिया तुम यहाँ आओ ना। मैं ठीक हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ? मोंटी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और ये सब नहीं रख पाऊंगी, सॉरी मैं चलती हूँ। वहीनी, अरे 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 वहीनी रुक जाओ, मैं अरे वाह मनीष, तू तो बड़ा स्ट्रॉन्ग निकला। और नहीं तो क्या, वही नहीं
रोज जिम करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन पंजे में तुम उसे जीत नहीं सकता, समझा? क्या बात कर रहे हो भाई, लगी शर्त? लगी शर्त? अरे भाई नहीं, आप नहीं हरा पाओगे, मैं दिखाता हूँ। देख मैं तुझे कैसे हरा दूँ। एक तरफ जहां मोंटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि दिया के साथ उसकी शादी का सपना टूटने वाला था, वो बदले की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रवीण ने अक्षय को पूजा और मनीष के एक मासूमियत भरे पल का फोटो दिखाया और उसे कुछ इस तरह से दर्शाया कि अक्षय के मन में शक पैदा हो गया। उसने ये भी कहा कि मनीष जिन लोगों से प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करता है उसमें से वो अपने लिए पैसे रख लेता है। धीरे धीरे प्रवीण की इन जहरीली बातों का असर होने लगा था जिसका परिणाम बेहद ही डरावना होने वाला था। मनीष, अरे भाऊ, ना सिर्फ तू हमें पैसों की छेंडी लगा रहा है पर तू पूजा के फंसा रहा है। नहीं भाऊ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने आपका एक रुपया नहीं चुराया है और पूजा तो मेरी भाभी है। साले मेरे को ना तेरे पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, गद्दार है तू और तुझे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाऊ 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 आइका भाऊ भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है भाऊ। भाऊ सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, हे किसने इसका गेम कर दिया? अच्छा चल 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 भाग भाग भाग। सर, सर पर्स और मोबाइल फोन से तो लग रहा है कि मनीष राणा नहीं है। छोटा मोटा चोर है सर, बहुत बार चैन वैन चोरी करने के जुर्म में पकड़ा भी गया है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। सर पता चला है कि रिसेंटली अक्षय की गैंग को ज्वाइन किया था। अक्षय की गैंग मतलब वो लड़की की किडनैपिंग? हाँ सर, उस समय उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया गया, लेकिन सर इस बार बहुत सारे आई विटनेस हैं, इन सभी लोगों ने देखा है सर, और ये पान टपरी वाले ने भी देखा। गया कहाँ? सर वो डर के कारण भाग गया, मैंने तावड़े को भेजा है। सर इन लोगों का कहना है कि इस बार अक्षय के साथ उसका बड़ा भाई संदीप भी था। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर अक्षय को लेके आओ। ठीक है सर। आपने मुझे मनीष राणे केस में बुलाया ना? हाँ। ये रही मेरी चेक कर लीजिए। मैं उसे मारने के इरादे से गया जरूर था क्योंकि वो मुझसे धोखाधड़ी कर रहा था, पर ये गोली मैंने नहीं चलाई है। ये स्टोरी मत सुना, समझा ना, ये सब फिल्म में होता है, बाकी लोगों ने देखा है तेरे को गोली चलाते हुए। सर मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरी गन है, आप चेक कर लीजिए। तुम्हें सब प्रोसीजर पता है रे? हाँ हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ गन से ही मतलब है ना। चिरके बैलिस्टिक के लिए भेज दो और उसको अरेस्ट करो मनीष राणे के मर्डर केस में। चल एक सेकेंड, किस लिए? अरे पर मैं तो आपके पास सामने से आया ना। मैंने कहा था ना ये अक्षय ने ही मनीष का खून किया है, और तुम अब भी उसी के भाई के साथ शादी करना चाहती हो? तुमने अपना भाई खोया है और मैंने मेरा दोस्त, अब मैं ही तुम्हारा रखवाला हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो। हाँ हाथ मत लगाओ मुझे, तुम मेरे भाई की मौत हो गई है और तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और जो तुम ये सब बोल रहे हो सब झूठ है। नहीं बात की भैया, मैं चाहती हूँ अक्षय को, वो मेरे भाई को कभी मार ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए तो मेरा भाई संदीप के जैसा है ना, और मैं शादी करूँ सिर्फ संदीप से करूँ, नहीं तो हमेशा कुंवारी रहूंगी। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की होने भी नहीं दूंगा, याद रखना। सर मनीष की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पेट और गले पर गोली लगने की वजह से हुई है, और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से वो दोनों ही गोलियां अक्षय की गन से फायर नहीं की गई थी। इसका मतलब अक्षय सच बोल रहा था? अक्षय कभी झूठ नहीं बोलता है, और यही वजह है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। आप? मैं मरकन सावंत, अक्षय का वकील, और ये रहे उसके रिहाई के पेपर। कितना टाइम लगेगा सर उसे? सर सगले डॉक्यूमेंट साइन करून घेतले। हम चले सर। चाय मंगाओ। थैंक यू। जाइए। एक सेकेंड सर, एक बात कहूँ आपसे, आप है ना असली किलर को ढूंढिए, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ, मनीष के लिए इतना तो बनता है। शिरके मनीष राणे की फाइल फिर से चेक करो,
देखो इस अक्षय के खिलाफ कुछ सबूत मिलता है। सर मैं दो बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। ये अक्षय के साथ उसका एक दोस्त रहता है ना प्रवीण, हो सकता है उसके पास गन हो और ये फायर उसके गन से हुआ हो, या तो फिर अक्षय की गर्लफ्रेंड पूजा, उसके पास भी गन हो सकती है और ये फायर उसके गन से हुआ होगा। अब किस बात का इल्जाम लगाने आया मुझ पर? तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तुम्हारे भी चिर के इसकी सज जाओ। चल चल तृप्ति पूरा घर छान मारो। सर कुछ नहीं मिला। सर प्रवीण के घर में भी कुछ नहीं मिला। यहां क्यों बुलाया मुझे, वो भी अकेले? अब क्या मुझे प्रेम करना चाहते हो? पूजा आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। एक काम करो, तुम पुलिस विटनेस बन जाओ, सब कुछ सच सच बता दो। ये अक्षय के कौन से लीगल इलीगल धंधे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, प्रोटेक्शन दे दूंगा मैं तुमको। दिमाग तो ठीक है ना आप लोगों का, पता भी है क्या बोल रहे हो? ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। एक तो अक्षय ने कुछ किया नहीं है, और अगर किया भी होता तो मैं तुम लोगों को क्यों बोलूंगी? ठीक है मत बताओ, पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त है कौन से साइड जाना है ये सोचने का। अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्रिमिनल्स प्यार करने का टाइम ही नहीं देते। अगर प्यार किया होता ना तो जरूर समझते कि मैं अक्षय को कभी धोखा नहीं दूंगी। और रही बात मेरे फ्यूचर की, तो मेरा फ्यूचर तो मेरे अक्षय के साथ ही है। अब आपकी ये पूछताछ खत्म हुई तो मैं घर जाऊँ, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ जाइए, ऑल द बेस्ट, फ्यूचर बनाइए अपना अक्षय के साथ। शिरके प्यार सच में आमदा होता है। सर ये लोग सगड़े एड़े रोके जाए, ये अक्षय कोई नया क्रिमिनल नहीं है। अक्षय जब स्कूल में था ना तभी वो उसने एक लड़के का मर्डर किया था, तो प्रवीण के मदद से। लेकिन सर अक्षय के केस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें तो सामने नहीं आई हैं। नहीं उस वक्त वो माइनर होगा ना, तो रिपोर्ट क्लासिफाइड नहीं होगी। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? 6-7 साल पहले दिनेश भोसले साहब सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने केस हैंडल किया था। ये लीजिए केलकर साहब, आपकी 4 चम्मच वाली चाय। थैंक यू। एक बात बताऊं भोसले साहब, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ तो आपको अक्षय अरुंदिकर के बारे में जानना है। अक्षय और उसका दोस्त प्रवीण तांबे करीब 12-13 साल के थे, जो उन्होंने सूरजपत की नाम के एक लड़के का मर्डर कर दिया गोली चलाकर स्कूल के सामने। वैसे उसके पहले भी वो दोनों छोटे मोटे क्रिमिनल बन ही चुके थे। कैसे? अक्षय अपने दोस्तों को पैसे डबल करने का स्कीम बताना था, और उसका कहना था कि उसके पिताजी ने भी स्कीम में काफी पैसे इन्वेस्ट किए और काफी कुछ अर्न भी किया है, लेकिन कोई भी बच्चे उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। आखिरकार एक लड़के ने उसे 200 रुपए दिए और 15 दिन बाद ये ले तेरे 200 रुपए। और ये 200 रुपए जो तूने कमाए हैं 2 हफ्ते में पैसा डबल। जा ऐश कर, चल पिज्जा खाते। अक्षय ने 200 रुपए अपने जेब से दिए थे, लेकिन उसकी ये ट्रिक काम आ गई और बहुत जल्द उन दोनों के सामने लड़कों की लाइन लग गई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने कुछ लड़कों को डबल पैसे भी दिए, लेकिन फिर दूसरों को बताया कि अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और 1 महीने के बाद? अक्षय भाऊ और मेरे 1000 रुपए कब दिए तूने मुझे? 1 महीने पहले तो इन्वेस्ट करने दिए थे। नहीं तूने मुझे कब दिए? ए प्रवीण देखो याद है कि इसने पैसे दिए मेरे? ए तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? अक्षय भाऊ ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। ए चल मैं निकल सूरत चल। अक्षय सीनियर क्लास की एक लड़की पूजा को चाहता था और उस पर खुलकर पैसे भी खर्च करता था। बाकी लड़कों के पैसे रिटर्न करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो सूरज ने पूजा को जाकर सब कुछ बता दिया और अक्षय की इमेज खराब कर दी। तो नेचुरली उसके बाद से पूजा उसे इग्नोर करने लगी, निगलेक्ट करने लगी। इससे अक्षय आग बबूला हो गया। अक्षय के पिताजी एक बहुत जाने माने रियल एस्टेट एजेंट है, उनके पास लाइसेंस गन भी है, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही अपने बेटे को गन चलाने की ट्रेनिंग दी थी। पैसा कभी दे रहा है चोर बताना। दोनों को
जुवेनाइल होम भेज दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अक्षय के पिताजी को काम मिलना बंद हो गया। एक साल के अंदर वो बीमार हो गया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसके बड़े भाई संदीप ने भी कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक मर्डरर के भाई को कौन नौकरी देगा। 5 साल के बाद वो दोनों जुवेनाइल होम से वापस आए। अक्षय, 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 कैसा है तू? तू ठीक है ना? आज अगर तेरे बाबा होते ना तो बहुत खुश होते कि तू घर वापस आया है। अक्षय, आई जवलो नरक से भी बदतर है। वहां मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। इन 5 सालों का दर्द तेरे खाने ने मिटा दिया। प्रवीण। संदीप दादा, मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे पता नहीं मैं कहां जाऊं। सही जगह आया है तू, अंदर आ जा। खा बेटा, आज से तू मेरा तीसरा बेटा है। दोनों बच्चों ने फिर से नए से शुरुआत करना चाहा। अक्षय की माँ ने तो कई स्कूल में उसके एडमिशन करने की भी कोशिश की। ए चोरे, ए चोर, अंदर तो स्कूल में क्यों आया? अरे चोर सुनना, ए चोर, ए चोर, रिटर्न जा इधर से। लड़कों ने जो कुछ भी किया था दुनिया उसे भूलने नहीं दे रही थी। कई गैंगस्टर से तो उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, लेकिन दोनों बच्चों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार खार घर के एक स्कूल ने उन्हें एडमिशन दिया, लेकिन ये वो जगह थी जहां इनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई। कैसा लगा तुझे नया स्कूल? अब तक तो अच्छा है। मैंने बोला था ना तुझे एक नई शुरुआत मिल जाएगी यहाँ से। तुझे पानी पूरी खाएगी? अच्छा भैया, दो मिनट। अरे अमन, मेरा फोन है, किसी ने चोरी कर लिया। ये इसने चुराया होगा। निशा, 5 साल पहले जो स्कूल में मर्डर हुआ था याद है? वो इसी ने तो किया था। हाँ, इसी ने किया था। हाँ, इसी ने किया था। फोन दे, चल। अरे मेरे पास फोन नहीं है। छोड़ो उसको, उसके पास नहीं है फोन। मैंने कोई चोरी नहीं की है। फोन दे, यही यही मेरे पास नहीं है फोन। छोड़ उसको, छोड़ो उसको, नहीं है उसके पास फोन। अरे अमर, मिल गया मेरा फोन। इस चोर ने चुराया होगा, इसके ऊपर ब्लेम आया होगा तो फेंक दिया होगा। दोबारा अगर अक्षय के बारे में कुछ भी बोला ना तो इतना मैं तेरे साथ क्या करूंगी? छोड़ो मुझे। पीछे, पीछे जाओ। इसको किसी ने भी हाथ लगाया ना काट डालूंगा। पीछे जाओ। अक्षय और प्रवीण को खारघर के स्कूल से निकाल दिया गया। जुवेनाइल होम से निकलने के बाद सोसाइटी ने तो पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था, तो अक्षय ने क्राइम का रास्ता चुना। वैसे भी लोग उसे क्रिमिनल मानते थे। हमें कभी भी उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए हम कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। और बहुत जल्द मेरा ट्रांसफर वाशी हो गया। सर एक मिनट। हेलो सर, एक बॉडी मिली है। क्या तू हंस रहा है? वो पुलिस वाला मुझे तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बोल रहा था और तू यहाँ बैठ के मेरे ऊपर हंसे जा रहा है। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तू एक नंबर की झल्ली है। देख, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं वो ऑफर ले लेता। अरे मुझसे हजारी का तेरा गोल्डन टिकट था वो। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब कभी नहीं करूंगी। एक सेकंड, तू क्यों मरेगी मेरे लिए? हमारा रिश्ता ही क्या है? एक बस करो तुम लोग। क्यों मियां बीवी की तरह लड़ते रहते हो तुम लोग, जब शादी नहीं करनी तुम दोनों को? आई मुझे शादी करनी है इससे। किसने बोला आपको कि मुझे नहीं करनी इससे शादी? अब मैं बचपन से तो इसी के साथ ही हूँ ना, मुझे इसी से ही शादी करनी है। तू मुझसे शादी करेगी? आई तू घर में जो भी सिंदूर मंगल से जो भी तू लेके आई, इन लोगों का भरोसा नहीं पलट जाते कभी भी। चाचा जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अब तू फंस गया। अब अभी भी कोई लड़का है तो बता दे। ये ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तू पूजा अरुणडेकर बन गई है। खुश रह। सर, ये देखिए, गोली हार्ट और स्टमक पे लगी है।
सर आई थिंक ये दिया राणे है, मनीष राणे की बहन, जिसके साथ हमने मनीष के मर्डर के बाद बात की थी। सर दिया राणे ही है। लेकिन ये इतनी सुनसान जगह क्या करने आई थी? और मनीष को जिस तरह मारा था, एक गोली हार्ट में, एक गोली स्टमक में। सर जमीन पर ब्लड देख के लग रहा है कि शायद इसका मर्डर यही हुआ है। तुर्की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मुझे बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए। सर शेर के इसके डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर खबर मिली है कि दिया एंगेज थी और कुछ महीने बाद उसकी शादी मोंटी दुबे से होने वाली थी। इसका मतलब ये काम किसी एक तरफा लवर ने किया होगा या तो एक्स बॉयफ्रेंड ने। सर हो सकता है। वैसे सर ये भी पता चला है कि दिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसका अफेयर संदीप अरुणडेकर के साथ चल रहा था। संदीप अरुणडेकर मतलब अक्षय का बड़ा भाई? हाँ सर। तो इसका मतलब अक्षय के पास मर्डर का मोटिव है। ले गया उसको। सर आप हर क्राइम मुझ पर ही डाल रहे हैं, और वैसे भी मैं दिया को क्यों मारूंगा भला? क्योंकि दिया को लग रहा था कि उसके भाई का मर्डर तूने किया है, और इसलिए दिया ने तेरे भाई संदीप से शादी करने से मना कर दिया। जो गुस्सा आया तूने उसको मार दिया। सर दिया ने मुझे खुद फोन करके कहा था कि वो मान ही नहीं सकती कि मैं मनीष को तकलीफ पहुंचाऊंगा। मर्डर तो बहुत दूर की बात है सर। तेरे इस कहानी पे मैं यकीन कैसे करूं? आप मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर लो। मैं खुद दिया की मौत से टेंशन में हूं सर। मेरे भाई का रो रो के बुरा हाल है। आप जानते भी कि उस पर क्या बीत रही है। जैसा कि अक्षय ने कहा था, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ कि उसकी गन दिया को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। मकरन सावंत ने ठीक समय पर आकर अक्षय को आजाद करवा लिया। पुलिस ने संदीप और मोंटी दोनों से पूछताछ की और दोनों ने ही मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार किया। संदीप ने दिया के मैसेजेस पुलिस को दिखाए जिसमें साफ लिखा था कि वो उसके साथ भागकर शादी करना चाहती है क्योंकि वो मोंटी से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस को पता चला कि पनवेल के एक गन सप्लायर ने दिया के मर्डर से ठीक एक दिन पहले एक लड़के को गन सप्लाई की थी। जब सप्लायर को अक्षय, संदीप और प्रवीण की फोटो दिखाई तो उसने उन्हें नहीं पहचाना। पुलिस ने जब मोंटी की फोटो दिखाई तो सप्लायर ने बताया कि मोंटी ने ही गन खरीदी थी। पुलिस ने मोंटी को शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया। पुलिस को लग रहा था कि ये केस भी मनीष मर्डर केस की तरह ही था, लेकिन तभी दिया की पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट ने ये बात कंफर्म की कि दिया की मौत मोंटी के गन से नहीं हुई थी, बल्कि दिया की मौत उस गन से हुई थी जिससे मनीष का मर्डर हुआ था। अक्षय और मोंटी दोनों की ही गन का इस्तेमाल इन मर्डर्स में नहीं हुआ था, तो फिर ये मर्डर्स किसने किए थे और किस गन का इस्तेमाल हुआ था? और तब पुलिस के द्वारा एक बार फिर मोंटी से पूछताछ करने के बाद एक चौंका देने वाली बात सामने आई। बोला? हाँ सर, वो दिया ने मुझे बताया था कि संदीप और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्या करता? मैं तो इतने सालों से उसको अपनी बीवी बनाने के सपने देख रहा था और मुझसे वो भूल ही नहीं जा रही थी सर। फिर एक दिन वो प्रवीण ने मुझे बोला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ। ये प्रवीण कौन? अक्षय का दोस्त? हाँ सर, प्रवीण वही मुझे उस जगह पर लेकर गया था जहाँ पर वो संदीप और दिया को मैंने हम बिस्तर देखा। मोंटी यार मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। शादी तेरी तय हुई है और वो संदीप दिया के साथ मजे कर रहा है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। तेरी होने वाली बीवी को तो किसी और के साथ देख सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। प्यार? प्यार बोलता है? देख भाई तेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर तेरे बदले मैं होता ना, दिया को जिंदा नहीं छोड़ता। तेरा क्या मतलब है? मैं भी दिया को मार दूं? मैं तो मार देता भाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तू देख ले तेरे को जो करना है वो। वैसे मेरे पास वो गन डीलर का नंबर है। तो तूने गन प्रवीण के कॉन्टेक्ट से खरीदी? हाँ, मतलब मैंने सिर्फ दिया को डराने के लिए गन खरीदी थी, उसे गोली नहीं मारना चाहता था। तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू मुझसे शादी करेगी या मैं तुझे यही गोली मार दूं? तू तो कह रहा था तू मुझसे प्यार करता है। मेरा भाई मनीष होता ना तो सब करने देता वो तुझे। ए चुप, मुझसे शादी करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ ट्रिगर दबा दे, तू तो समझता क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता सर उसको गोली किसने मारी, बस सच बोल रहा हूँ। तो फोन किसका आया था? फोन कौन सा आला होता? प्रवीण का। एक बात बता, तू दिया को मारते मारते रुक गया? हाँ, प्रवीण को कैसे पता चला?
इसका मतलब प्रवीण वहां था? मुझे नहीं मालूम। एक काम करो सिल्की, 23 अगस्त को प्रवीण दोपहर 2 से 4 के बीच कहाँ था ये चेक करो और उसके घर की दोबारा तलाशी लो। अगर वो दिया को मार सकता है तो मनीष को भी उसने मारा होगा। पर सुन, अगर तेरी बात झूठ निकली तो ये बालों का झूला बना के झूलूंगा। सर आप फिर आ गए? ये सर्च करो सर, पूरा कोना कोना सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सर आपको गलत फहमी हुई है, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिलने वाला। चुप चुप चाप खड़ा रहे। सर कपड़े में कुछ नहीं है। सर टेरेस पे कुछ नहीं मिला। सर अंदर के दोनों कमरे खाली हैं। बेटा सर मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग। तेरे पास पैसा नहीं है क्या रे? हाँ उसका कैब अलग है, इसका कैब अलग है, कर दे पकड़ा दे। दिया और मनीष को जिस गन से फायर किया था वो गन तेरे घर में मिली। इतना ही नहीं, जिस जगह उनका मर्डर हुआ वहाँ का तेरा लोकेशन दिखा रहा है। तो जब अक्षय और मोंटी ने दिया और मनीष के ऊपर गन तानी थी उन्हें कॉल किया था मोंटी को, है ना? CDR में दिखा रहा है। इतना सबूत हमारे लिए काफ़ी है, तेरे लिए चाहिए और सबूत? बता क्यों मारा उनको? इतने सालों से सिर्फ मैं ही अक्षय का सच्चा दोस्त था। अरे सर वो सूरज को उसने 4 गोली मारी थी और उसके बाद ले चला के देख, तुझे दोस्ती की कसम। वो बंदूक उसने मेरे हाथ में थमा दी थी ताकि मैं फंस जाऊं। बिना किसी गलती के सूरज के मर्डर में भागीदारी बना दिया मुझे। हम लोग 5 साल जुवेनाइल में साथ में रहे, हर तरीके के टॉर्चर दर्द सब साथ में सहन किए। मेरे तो माँ बाप भी छोड़ के चले गए थे लेकिन मैंने अक्षय को नहीं छोड़ा था। बिना कोई सवाल किए मैंने अक्षय की गैंग ज्वाइन कर ली। मुझे लगा वो बराबरी का हिस्सा देगा लेकिन अरे भाऊ रुक क्यों गया तू? मारना, ठोक दे उसको। भाऊ विश्वास करो, भाऊ सच में ऐसा कुछ नहीं है। गद्दारे हो, मार दे उसको भाऊ। पार्टनर रखने के बदले उसने मुझे प्यून बनाकर रखा था। जब मनीष ने गैंग ज्वाइन किया उसको भाई की तरह रखने लगा। सर मैं मानता हूं मुझे दिया पसंद थी लेकिन संदीप ने मुझसे दिया को भी छीन लिया। अगर संदीप और दिया की शादी हो जाती मनीष और अक्षय और करीब आ जाते। बस सर इसी बात के लिए मैंने मनीष के खिलाफ अक्षय के कान भरना शुरू कर दिए। उसके बाद तूने मोंटी के दिमाग में दिया के खिलाफ जहर भर दिया ताकि शक संदीप पे जाए। हाँ सर, सर दिया तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली थी, इससे अच्छा होता वो मर जाती। वो बेवकूफ मोंटी एंड मूवमेंट पे वो फ्रीज हो गया। हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ ट्रिगर दबा दे, तू तो समझता क्यों नहीं है भाई, तू मार दे उसे। अरे मोंटी, अक्षय ने कभी भी मेरे कामों की कदर नहीं की इसलिए मुझे अपना क्रेडिट खुद छीनना पड़ा। और सर वैसे भी ये गैंग मुझे चलाना चाहिए था, सबका बाऊ मुझे बनना चाहिए था। क्या सोचे तेरी यहाँ, तुझे ऊंची की थी विचार के उड़े। अरे भाऊ बनना था तो अच्छे लोगों का भाऊ बनना है ना, ये क्या है? अब ट्राई कर जेल में बैठ के भाऊ बनने का। हाँ प्रवीण की गवाही पर अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसने अपने भी सारे गुनाह कबूल किए। संदीप, पूजा, यहाँ तक कि कांस्टेबल सचिन घरत को भी गैंग का साथ देने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी होने के नाते अगर हम बच्चों की मानसिकता को पहले ही समझने की कोशिश करें तो उन्हें जुर्म के रास्ते पर आने से रोका जा सकता है। और अगर कोई बच्चा जुवेनाइल होम जाता है तो हमें उसे अपना भविष्य बनाने का एक और मौका देना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मौका
जो प्रवीण और अक्षय को नहीं मिला, और इसलिए वो रॉबिन हुड की शक्ल में भेड़िए बन गए और उसी सोसाइटी को टारगेट करने लगे जिस सोसाइटी ने एक समय उन्हें ठुकरा दिया था। तो अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।